हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बतानी थी, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लेते हैं। जो मेरा जंगली मुर्गा था वो कबूतर मैं लेकर आया था। सोचा था कि साथ में वो रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जंगली मुर्गा मेरा डिस्टर्ब होने लगा कबूतरों से, तो मुझे अब कबूतर हटाने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हम मैंने कबूतर निकाल लिए हैं। ये अभी एक हफ्ते 10 दिन के कबूतर हैं जो मैं लेकर आया था। एक कबूतर निकाल लिया, उसको पिंजरे में कर दिया ताकि ये भी सब बाहर निकल आए। और ये सब बाहर निकले थे, लेकिन अब वीडियो बनाना है तो मैं दोबारा भी बुला लूँगा बाहर। ये आप देख रहे होंगे कि ये कबूतर हैं, इनका हमने पूरा सेटअप वटअप रेडी कर दिया था ताकि अंडे बच्चे करें। लेकिन ये देखिए मेरा जंगली मुर्गा, ये डर रहा है इन लोगों से, पता नहीं क्यों। जबकि मुर्गियां और ये चूज़े चिक्स हमने घर ही के डाल रखे हैं, ये बिल्कुल नहीं डर रहे इनसे, लेकिन ये डर रहे हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इनको आज़ाद कर दूं। और हैं तो ये बहुत प्यारे, दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सेटअप मेरा नहीं सही है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं आज़ादी कर दूँ। और कबूतरों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो इसलिए एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ आज मैं। बाकी इन लोगों की आज़ादी की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद में। ये सब जब बाहर निकल आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से कोई उड़ ना पाए, क्योंकि ऊपर पूरा खुला आसमान मैंने दे रखा है। तो अगर उड़ नहीं जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इनको पकड़ के उसके बाद आज़ाद करें, ताकि आप लोग भी इन लोगों का वीडियो देखें और आनंद लें कि कैसे ये खुले आसमान में जाने के बाद में क्या इनकी एक्टिविटी होती है, क्या इनकी हरकत होती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं डायरेक्ट पकड़ने के बाद में। तो दोस्तों हमने 3 कबूतर बाहर निकाल लिए हैं जो कि आप देख रहे हैं। इनको अभी भी एक कबूतरी है जो वहाँ डंडे पर जाके बैठ गई है, वो नहीं आ रही है। बाकी ये जंगली मुर्गा आप देख ही सकते हैं मेरा, ये कुछ बच्चे हैं। और ये देखिए कबूतर देखने में कैसे लग रहे हैं आप बताइए। इतनी नयाब चीज़ को हमको हटाना पड़ रहा है, हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना मेरा दिल कह रहा है, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। नहीं तो इतनी नयाब चीज़ मैं नहीं, कोई भी नहीं हटाना चाहेगा। तो मैंने सोचा अब इतना दिल पे पत्थर रख के मैं काम करने जा रहा हूँ, तो किसी को ना देखें इनको एक बार आसमान में आज़ाद कर दिया जाए, ताकि ये खुद अपना घर बना सकें अगर इनको कोई नहीं पकड़ता है। बाकी इनकी मर्जी है किसके पास जाते हैं, कौन पकड़ता है, बाकी इनकी मर्जी, मैं इनको इनके हाल पे छोड़ दूंगा। तो बाकी जब वो एक कबूतरी आप जो देख रहे हैं वो आ जाए, उसके बाद मैं आपको आज़ादी की वीडियो का मज़ा दिलाता हूँ। दोस्तों अभी बाहर निकालते वक्त 3 कबूतरों को तो हमने आसानी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन एक कबूतरी है वो बाहर निकलते समय एकदम से ही बाहर निकल गई, जो यहाँ पे बैठी हुई है, शायद आप देख पा रहे हो, पेड़ पे जाके बैठ गई है। ये है हमारी कबूतरी, देखते हैं ये वापस आ पाती है कि नहीं आ पाती है, क्योंकि अभी हफ्ते 10 दिन ही हुए थे इसको लाए हुए, सबको लाए हुए। देखते हैं, शायद ये वापस चली आए, हो सकता है। अगर ये वापस आती है तो मैं फिर से यहीं से वीडियो कंटिन्यू करूँगा, और अगर यहाँ से चली जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आज़ाद ही करना था। तो दोस्तों मौसम
आज साफ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि कबूतरों को आज ना आज़ाद करके, अगर कल धूप निकलती है तो कल आज़ाद कर लिया जाए। और एक कबूतरी हमारी अभी आपने देखा कि पेड़ पे जाके बैठ गई है, अगर वो वापस आती है तो मैं वीडियो फिर यहीं से कंटिन्यू करूँगा, बाकी अगर वो चली जाती है तो आज़ाद करना ही था। मैंने सोचा था थोड़ा मौसम खुल जाए और धूप निकल आए तो फिर आज़ाद करेंगे और ये अपना जगह भी देख लेंगे, लेकिन एक कबूतरी गलती से बाहर निकल गई। आगे देखते हैं क्या होता है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए।